जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी ने औपचारिक रूप से सबमिट किया तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर वाला प्रस्ताव। बोइंग को इंडियन नेवी से एडिशनल PHI एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स की उम्मीद। भारत कनाडा इशू पर पाकिस्तानी कमेंट पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इनके कमेंट को नहीं लेता है कोई भी सीरियसली। इंडियन कॉन्सुलेंट में हमला करने वाले 10 आरोपियों की लिस्ट जारी करी NIA ने। और इसराइल ने अनवील किया अपना 5th जनरेशन का बैटल टैंक। तो जैसा कि इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स पहले भी कंफर्म कर चुके हैं कि इंडियन नेवी दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर वाली योजना पर भी काम कर रही है, जिसमें INS विक्रांत का ही रिपीट ऑर्डर दिए जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इससे ही जुड़ा एक बड़ा अपडेट आज ANI की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से ये बताया गया है कि इंडियन नेवी ने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करने के लिए अपना जो प्रस्ताव है उसे रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो ये दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाली योजना है तो निश्चित रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई हजार रोजगार के अवसरों को भी क्रिएट करेगी। बाकी जैसा कि इंडियन नेवी 26 रफाल M फाइटर्स के साथ भी जा रही है, और रफाल M के अलावा भविष्य में इंडियन नेवी के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भारत के स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स यानी कि TETBF भी देखने को मिलेंगे। और नेवी का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, तो वो भी इस वर्ष नवंबर के महीने तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। और जैसे कि इंडियन नेवी का उद्देश्य है 2047 तक एक फुली आत्मनिर्भर सी फोर्स बनना। इसके अलावा इंडियन नेवी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है, जिसमें US फर्म बोइंग की तरफ से बताया गया है कि उनकी योजना है कि वे भारत में PHI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के लिए उनकी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनमेंट कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करेंगे। और इसके साथ ही बोइंग को इंडियन नेवी से 6 और PHI एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स की उम्मीद है, जबकि अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी की फ्लीट में टोटल 12 PHI एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। और अगर नेवी 6 और PHI एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर्स प्लेस करती है तो फिर नेवी के पास टोटल 18 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। भारत और कनाडा के बीच चल रही डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दी हैं। जैसे कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का साफ कहना था कि कनाडा ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की किलिंग के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराया है तो इस तरह के आरोप राजनीति से प्रेरित लगते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा ने जो भारत पर आरोप लगाए तो उन आरोपों को साबित करने के लिए कनाडा ने भारत के साथ कोई भी एविडेंस शेयर नहीं किए, और इस मामले पर कनाडा द्वारा प्रदान किए जाने वाली कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर हम गौर करने के लिए बिल्कुल इच्छुक हैं, लेकिन कनाडा ने अभी तक कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जबकि इसके विपरीत भारत ने अपनी तरफ से कनाडा की जमीन पर जो कुछ ऐसी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं तो उनके बारे में कई स्पेसिफिक एविडेंस कनाडा के साथ शेयर किए थे, लेकिन कनाडा की तरफ से उस पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि किस तरह से कनाडा की गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में समानता के बारे में सूचित किया गया, जिस पर कनाडा की गवर्नमेंट को यह कहा गया कि भारत में जो उनके डिप्लोमेट्स की संख्या है वो ज्यादा है और मुझे लगता है कि आप इसमें कुछ कमी लाएंगे। और उनका साफ कहना है कि हमने देखा कि जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं वो हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने सभी कैनेडियंस के लिए सभी वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है, और जिसमें कैनेडियंस किसी तीसरी कंट्री से भी वीजा लेकर यहाँ नहीं आ सकते। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जो कनाडा है वो टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन है और कनाडा में आतंकवाद के साथ डील करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल विल नहीं है। उनका यह भी कहना है कि भारत इस बात की उम्मीद करता है कि जो कैनेडियन अथॉरिटीज हैं तो आतंकवाद से संबंधित सिग्निफिकेंट कंसर्न्स को दूर करने के लिए जरूरी और बेहतर कदम उठाएगी। और इसी मामले को लेकर भारत अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ भी कन्वर्सेशन कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि कनाडा की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज क्राइम्स, टेररिस्ट, इन सभी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। भारत ने करीब 20 से 25 या इससे अधिक इंडिविजुअल्स को लेकर उन पर एक्शन लेने के लिए कनाडा की गवर्नमेंट को कई बार रिक्वेस्ट करी थी, और ये भी कहा था कि अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे तो उन्हें यहाँ भेजें ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा सके। और भारतीय विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि हेट क्राइम कभी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि हम वियना कन्वेंशन को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि कनाडा भी इसको सीरियसली लेगा, और ये बात उन्होंने कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स को जो थ्रेट मिल रहे हैं उसको लेकर कही थी। भारत स्पष्ट रूप से किसी भी खतरे की निंदा करता है, लेकिन हमें आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, और न केवल आतंकवाद बल्कि ये भी एक फैक्ट है कि इसको जो फंडिंग दी जाती है, जो इसको सपोर्ट किया जाता है, और हम इसे अपने पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान की वजह से कुछ समय से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के लिए एक सेफ हेवन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के सेफ हेवन या अगर विदेशों में भी हो रहे हैं जिसमें कनाडा भी शामिल है तो हम उम्मीद करेंगे कि इस पर मेन फोकस किया जाए, लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे पास इससे निपटने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है या हम इसे उचित ठहराना चाहते हैं और इसकी अनदेखी नहीं करना चाहते हैं। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यही है कि अगर कनाडा को वाकई में अपने वैश्विक स्तर पर रेपुटेशन की चिंता है तो वो अपने वहां पनप रहे आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जरूरी एक्शन ले। वैसे आतंकवाद से याद आया, पाकिस्तान ने भी इस मामले पर घुसने का प्रयास किया, जिसमें उसने स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि भारत का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का नेटवर्क है वो अब ग्लोबल हो गया है,
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पाकिस्तान के इसी कमेंट को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करने वाला पाकिस्तान आखिरी देश है और कोई भी उनके कमेंट को गंभीरता से नहीं लेता है। इस वर्ष मार्च में सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर जो हमला किया गया था तो उस हमले में शामिल 10 आरोपियों की पिक्चर NIA की तरफ से रिलीज की गई है और NIA ने आम जनता से भी मदद मांगी है कि अगर इन आरोपियों की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उसे शेयर करें। और एक और अपडेट है कि NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर सुखदूल सिंह को किसी अननोन गनमैन ने निपटा दिया और वो भी कैनेडा में। और जबकि कल की ही बात है कि NIA ने कैनेडा से लिंक रखने वाले इन गैंगस्टर नेटवर्क्स की कुछ डिटेल्स को रिलीज किया था और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से भी ली गई है और जबकि जग्गू भगवानपुरिया गैंग की तरफ से भी। अब वो तो ये गैंग्स क्लेम कर रहे हैं, वरना ये क्लेम नहीं होता तो कनाडा की गवर्नमेंट तो यही कहती कि इसमें भी राके साजिश है और फिर पीछे से पाकिस्तान भी आता हाँ में हाँ मिलाने के लिए। मंगलवार को इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक नए नेक्स्ट जनरेशन के AI इनेबल्ड बैटल टैंक को अनवील किया है जिसका नाम रखा गया है बाराक और ये 5th जनरेशन का बैटल टैंक है और इसे 5 वर्षों की टाइमलाइन के अंदर विकसित किया गया है और इसे इसराइल की डिफेंस फोर्सेस का एक फ्यूचर टैंक कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, एडवांस सेंसर्स इस्तेमाल किए गए और इसे इस तरह से बनाया गया कि दुश्मन की फोर्सेस इसे पहले हिट करें तो उससे पहले ये उन्हें हिट करने में सक्षम है। इस टैंक को 4 क्रू मेंबर्स द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, कमांडर, ड्राइवर, गनर और लोडर। ये टैंक अपने एडवांस सेंसर्स की मदद से बिना क्रू को एक्सपोज किए रियल टाइम बेसिस पर टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें ट्रॉफी एंटी मिसाइल टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम भी दी गई है। और ये जो बराक टैंक्स हैं ये इसराइल के मौजूदा मरकवा मार्क 4 टैंक्स को रिप्लेस करेंगे और इसलिए इसे बराक टैंक के अलावा मरकवा मार्क 5 का नाम भी दिया गया है। और इस टैंक के मैन्युफैक्चरर्स ये मानते हैं कि ये जो टैंक है ये बैटलफील्ड में एक नई क्रांति लेके आएगा। और वैसे अगर आप में से किसी को दुनिया के सबसे बेस्ट बैटल टैंक्स के बारे में जानने की इच्छा है तो उस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब भी परमाणु हथियार हासिल कर लेगा। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान के संभावित खतरे को देखते हुए इस परमाणु हथियार से संबंधित कोई बयान सऊदी अरब की तरफ से आया हो। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पिछले साल एक बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि अगर ईरान को ऑपरेशन परमाणु हथियार मिलता है तो फिर सऊदी अरब भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रामपुर में LOC के साथ तैनात भारत के फॉरवर्ड यूनिट्स और पीर पंजाल रेंजेस में RR बटालियंस को विजिट किया था और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन प्रिपेयरनेस की समीक्षा की और उन्हें यहाँ पे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और कुछ मॉडर्न मेथड्स जो कि हाल ही में आर्मी द्वारा अडॉप्ट किए गए तो उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि आज इंडियन आर्मी के 33 कोर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि हमारे एक जवान राइफलमैन अमित सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है और फिर ये भी कहा गया कि इंडियन आर्मी लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आने वाले आउटकम्स के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। और आर्मी ने अपने पोस्ट में जो ये लिखा है कि इंडियन आर्मी को राइफलमैन अमित सिंह के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर दुख है तो ये निधन कैसे हुआ है तो इसके बारे में फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई जानकारी देखने को नहीं मिली है और जैसे इस पर कोई जानकारी आती है तो हमारे डिफेंस अपडेट के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर रणबीर सिंह, मेजर ए राम त्यागी और कैप्टन कपिल सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेजर रणबीर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से और मेजर ए राम त्यागी और कैप्टन कपिल सिंह थापा को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।